हे गाइस, कैसे आप सभी? आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल WCC2 Google वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट गेमिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर बात करेंगे हम रियल किट 19 के एक और न्यू अपडेट के बारे में। रियल किट 19 का न्यू सरप्राइज अपडेट आ चुका है, तो देखते हैं कौन कौन से न्यू फीचर्स गेम के अंदर ऐड किए गए हैं और पूरा करते हैं गेम प्ले रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी वक्त गवाए। सबसे पहले गेम को कर लेते हैं इससे अपडेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा अपडेट है, ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकते पर ठीक ठाक अपडेट है। और देखते हैं क्या क्या न्यू फीचर ऐड किए गए। तो देखिए यहाँ पे ब्रांड न्यू 2019 वर्ल्ड कप मोड जैसे कि विथ सेलेक्टर की मीटिंग के साथ में, और यहाँ पे रोड टू वर्ल्ड कप प्ले ऑल द पास्ट वर्ल्ड कप विथ टीम ऑफ द एरिया एंड किट, मतलब कि जो पिछले वर्ल्ड कप गुजरे हुए उन वर्ल्ड कप भी आप खेल सकते हैं अलग से। साथ में आपको यहाँ पे फोर न्यू स्टेडियम देखने को मिलते हैं जो कि है इंग्लैंड के, जैसे कि मैनचेस्टर, लीड्स और नॉटिंगम और बर्मिंगम के स्टेडियम ऐड किए गए। और साथ में कुछ बक्स भी फिक्स किए गए हैं और बहुत सारे मल्टीप्लेयर के अंदर कुछ बक्स थे उनको फिक्स किए गए हैं। तो बस यही छोटा सा अपडेट और जल्दी से कर लेते हैं इसका गेम प्ले रिव्यू। और ये अपडेट आज के दिन आया है और अपडेट है मात्र 156 MB का और कुछ न्यू फीचर ऐड किए गए, जैसे कि आपको यहाँ पे प्लेयर स्टेटिक भी देखने को मिल जाती है। तो जल्दी से इस गेम का कर लेते हैं रिव्यू। तो ये है कुछ न्यू इसके स्क्रीनशॉट। तो अब गेम फाइनली हमारा हो चुका है, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है हमारे यहाँ पर गेम। तो हम जल्दी से ओपन करके कर लेते हैं इसका गेम प्ले रिव्यू। या फिर डाउनलोड हो गया है हमारा गेम तो ओपन करके देख लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है क्योंकि इसमें आपको रियल टाइम मल्टीप्लेयर के साथ में कुछ और भी रियल टाइम इशू देखने को मिलती है, जैसे विराट कोहली ने अभी विराट कोहली का जो ओडीआई करियर है, रियल में जो ओडीआई करियर वो करियर है वही इसके अंदर ऐड किया गया है। जो और बाकी प्लेयर हैं उनका भी रियल प्लेयर स्टेटिक ऐड की गई इस गेम के अंदर। और वर्ल्ड कप के आपके दो फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है वर्ल्ड कप 2019 का क्लासिक मिलता है और एक आपको अलग से मिलता है क्लासिक वर्ल्ड कप जिसके अंदर आपको अलग से फॉर्मेट मिलता है। अगर आपको 2019 का वर्ल्ड कप खेलना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे और 500 रुपये शायद मेरे हिसाब से कोई भी नहीं देना चाहेगा और किसी पास होते भी नहीं थे पैसे और कोई गेम के ऊपर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता है। तो हम क्लासिक वर्ल्ड कप में जाके अपनी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने टीम इंडिया सेलेक्ट कर ली, अब मैं स्टेडियम सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं नॉटिंगम या फिर कोई इंग्लैंड का न्यू स्टेडियम सेलेक्ट करता हूं ताकि आप सभी को देखने में मजा आए। तो गेम मैंने फाइनली अब लोडिंग कर लिया है, यहाँ पे लोडिंग के बाद हमने टीम सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे अब मैं गेमिंग एनिमेशन बताऊंगा आपको, ये है स्टेडियम के इंट्रो के एनिमेशन जैसे कि आपको देख रहे होंगे। मैनचेस्टर में से यूके का ये स्टेडियम है, बहुत नया स्टेडियम है और आशा करता हूँ आपको भी स्टेडियम अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करना। तो देख सकते हैं आप कितना मस्त यहाँ पर यहाँ पर लुक है इसका स्टेडियम का, तो बहुत ही बड़ा लुक है। और चार स्टेडियम आपको देखने को मिलते हैं लीड्स का, और ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलता है इस साल इंग्लैंड के लिए उन्होंने स्टेडियम ऐड किए। तो आपको 5 स्टेडियम देखने को मिलते हैं इंग्लैंड के और 5 और 6 स्टेडियम आपको इंडिया के भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 से ज़्यादा स्टेडियम इस गेम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कलर भी चेंज किए गए और ग्राफिक्स में भी इम्प्रूवमेंट किया कर लिए गए हैं। पर दोस्तों मुझे एक बात बहुत चिंता हो रही है कि आपके पास इतने पैसे नहीं तो आप कैसे खेलेंगे वर्ल्ड कप 2019 का एडिशन। मैं आपके लिए कोई लीगल ट्रिक लेके आऊँगा ताकि आप उसके खेल पाए। तो यहाँ पे हमने टॉस हार लिया है और हमें पहले करनी पड़ेगी बैटिंग। तो अच्छी बात है, हम थोड़ा गेम प्ले रिव्यू कर लेंगे बैटिंग के साथ में। तो हमारा कार्ड, हमारी टीम का प्लेइंग 11 कार्ड आ चुका है और यह है नेशनल एंथम, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा स्किप। तो मैं अब ले लेता हूँ मेरे ओपनर। तो ओपनर है मेरे शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली, और इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो अंपायर है वही है ब्लैक कलर की जर्सी में, और यह है हमारे दोनों प्लेयर। और अब देखिए सरप्राइज़ बैलेंस्ड के साथ में आपको देखिए पूरा बॉलर का रियल टाइम देखने को मिलता है, एकदम प्लेयर स्टेटिक जो कि इनके असली में होती है, असली और इंटरनेशनल करियर में वही इनको यहाँ पे देखने को मिलती है। रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर में 206 मैच और बेस्ट 264 आपको नीचे दिख रहे होंगे, और उन्होंने 100 मारी, 2200 और 50 इनके 41-50 है। तो ये देखिए एकदम आपको रियल देखने को मिलता है यहाँ पे सारा प्लेयर स्ट्रेटेजिक, जो कि अच्छी बात है। WC2 में आपको रियल देखने को नहीं मिलता, जो मैच खेल के बनाते हैं वही देखने को मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है दोनों ही गेम में। तो मैं शायद कोशिश करूँगा पहली गेंद पर छक्का मारने की। जी हाँ, पहली गेंद पर मिल गया है मुझे 6 रन, जो कि अच्छी बात है। और गेम भी बहुत अच्छा चल रहा है, अगर मैं बात बताऊँ इसकी रिकमेंड करूँ आपको तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और आप इन्हीं गेम प्ले इसी कंट्रोल से खेलेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा और गेम फाइनली स्मूथ चल रहा है और बहुत ही अच्छा अपडेट है। आशा करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। मैं ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ सभी के लिए, मैंने चारों स्टेडियम को अनलॉक करके आपको बताए हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया यहाँ पर रिव्यू बताया उन्होंने, मतलब गेम जो रिप्ले था वो बताया उन्होंने। अब मैं आप एक सिंगल लेने की कोशिश करूँगा, हम कितनी आसानी ले पाते हैं या नहीं ले पाते सिंगल को। तो ओके, हम आसानी से ले पा रहे सिंगल, और मैं डाइव लगाता हूँ जल्दी से। तो डाइव भी उन्होंने लगा ली है,
तो अब आपको विराट कोहली की यहाँ पे देखने को मिलेगी प्लेयर स्टैटिक। तो देखिए आपको विराट कोहली ने खेले 227 मैच, तो 227 मैच उनका बेस्ट स्कोर 183, तो नीचे आपको बेस्ट स्कोर भी देखने को मिलता है, और साथ में 4100 लगाए तो आपको 4100 देखने को मिलते हैं नीचे। तो ये पूरा इनका विराट कोहली का इंटरनेशनल करियर का इन्होंने दे रखा है पूरा का पूरा रियल टाइम यहाँ पर इन्होंने बनाया है प्लेयर स्टैटिक का यहाँ पर ये फीचर, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रयास करूँगा एक बाउंड्री मारने की, छक्का मैंने मार दिया, सिंगल ले लिया, मैं चौके मारने की कोशिश करूँगा यहाँ पर हवा में गेंद, और क्या मिलता है हमें, शायद मिलेगा 4 रन हमें, जी हाँ चौका मिला है हमें यहाँ पर। यहाँ पे मुझे कहीं पर वो देखने नहीं मिल रहे जो कि आपको देखने मिलते हैं जब चौके चौके छक्के लगते हैं, तो उसके बाद में वो कुछ निकलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फायर वर्क्स, तो वो यहाँ पे देखने नहीं मिल रहे हैं फायर वर्क्स, थोड़ी बुरी बात लगी मेरे को यहाँ पर। तो यहाँ पे ऊपर के जो आसमान है वो भी अच्छा बनाया है उन्होंने, बादल लगा रखे हैं, तो अच्छी बात है, एक अच्छा अपडेट लेके आए हैं। आशा करता हूँ आपको अपडेट अच्छा लगा, यही था आज का अपडेट, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। जो न्यू 4 स्टेडियम आए क्या उनको आपको चाहिए पूरा का पूरा, जो स्टेडियम का जो होता है अंदर का पूरा लुक देखने का, वो आपको उन 4 स्टेडियम में चाहिए हो तो मुझे बताना जरूर, मैं आपके लिए उसका वीडियो लेके आऊँगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा आपको अपडेट उसके बारे में जरूर बताना मेरे को कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड मैं प्यार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड मैं प्यार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Beat drops out. Yeah.